ओमकारेश्वर परियोजना मुख्य नहर के पंप हाउस के निकट लगातार नहर का पानी रिसने से सड़क मार्ग धस गया, जिसकी चपेट में शुक्रवार दोपहर एक आशियर वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि VNDA की अनदेखी एवं नहर निर्माण से जुड़े ठेकेदार की लापरवाही से हमारे क्षेत्र में कई बार जगह जगह नहरों के टूटने की घटना हुई है, जिससे कई किसानों के खेत में पानी भरने के साथ ही किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, जो आज भी अपने मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि नहर से लगातार घिसने वाले पानी से आज आसपास की मिट्टी गलकर धस गई है, जिसे JCB मशीन के माध्यम से बाहर निकाला गया। NVDA विभाग एवं नहर निर्माण करने वाले ठेकेदार की असमंजस के कारण आज हजारों किसानों की फसल का नुकसान नहर टूटने के दौरान होता है, लेकिन NDVA विभाग की इस लापरवाही की कार्यशैली हमेशा किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। अभी ये गाड़ी आई थी, एक भाई की गाड़ी लेके आया और मैं भी आ रहा था बाइक से, उधर से मैंने देखा कि गाड़ी फंसी हुई है। देखा तो नीचे से पानी बह रहा है नहर का, नहर फूट चुकी है और गाड़ी आके यहाँ से धस गई है। और ये ऐसा अभी एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार हो चुका है यहाँ पर। और इधर के नाले भी पूरे फुल हो चुके हैं, खेतों में भी पानी भर चुका है किसानों के। और अभी किसानों का समय बोनी का है और यदि खेतों में पानी घुस जाता है तो किसान अपनी ज़मीन कैसे सुधार पाएगा, बोनी कैसे कर पाएगा, और ये अमूल्य समय है किसान के लिए। और नहर भी ऐसी फूटती रही बार बार, तो किसानों को जो आगे के जो किसान हैं उनको पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। नहर का निर्माण बहुत घटिया तरीके से हुआ है कुल मिला के, मतलब जिस मापदंड पे नहर बनना थी, यहाँ के जो डिपार्टमेंट वाले हैं उन लोगों की अनदेखी और ठेकेदार के द्वारा जो अनियमितता की गई है कार्य करने में, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए दुखदायी हो गई। जो नहर जिस मकसद से बनी थी, किसानों के लिए वरदान साबित होना थी, वही नहर आज किसानों के लिए मुसीबत बन के सामने आई है। इस प्रकार से जो आइट साइड के जो खेती करने वाले किसान काफ़ी परेशान हैं इससे, मतलब पानी बार बार घुस जाता है, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है, ज़मीन सुधार नहीं पाते हैं, तो किसान बहुत चिंतित हैं यहाँ पर। ओंकारेश्वर से जिला ब्यूरो रामबाबा नायक के साथ संवाददाता आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।